किया। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? खुद ये सीन कट हो जाएगा। चाय सुट्टा बार के बारे में सुना था मैं, मुझे लग रहा था सुट्टा जो बोलते हैं ना, ये जो सिगरेट वगैरह उसको बोलते हैं सुट्टा, लेकिन ये चाय का सुट्टा बोलते हैं उसको, चाय सुट्टा बार बोला है, ठीक ठाक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं पीपीआर मॉल जलंधर में। तो ये पीपीआर मॉल का बहुत नाम सुना है हमने, तो आज घूमने के लिए आ गए हैं, तो देखते हैं कैसा है। और देखते हैं क्या देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर इन्होंने ना सजा रखा है, लाइटिंग करी रखी है, बहुत बढ़िया करा है इन्होंने, बहुत अच्छा सुंदर सजा रखा है। ठीक है कितना सोना सामने ऊपर। बहुत नाम सुना है यहाँ का पीपीआर मॉल का, तो घूमने के लिए आ गए थे। मार्केट यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, नए खुल रहे हैं। यहाँ पे चाय सुट्टा बार है, यहाँ पे चाय वाला है, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, मस्कॉलिक्स है। और यहाँ के जो रेस्टोरेंट में यहाँ पे हल्का हल्का सा म्यूजिक लगा हुआ है, बड़ा अच्छा सोफिया म्यूजिक। कोई गल नहीं आता, बढ़िया मार्केट है, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। और इसके बाद हम कुछ खाएंगे, यहाँ पे चाय सुट्टा बार है, वहाँ का बहुत नाम सुना है, दूर दूर से आते हैं लोग, तो जाते हैं देखते हैं कैसा है चाय सुट्टा बार। ये है अपना चाय वाला, इसके ठीक सामने, इसके ऑपोजिट है चाय सुट्टा बार उस साइड। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं चाय सुट्टा बार में, तो देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है, यहाँ की डाइनिंग कैसी है, तो देखते हैं जाके कैसा है। अंदर अभी जो है हम जा रहे हैं चाय सुट्टा बार, और ये है एंट्री। रवि टेबल देख रहे, बर्गर बर्गर पिज्जा, और हमने मंगवाया ये फ्रेंच फ्राइज। कैसा लगा? चाय सुट्टा बार में आपको सारा ही फूड जो है बजट में मिलेगा, कुछ भी यहाँ पे महंगा नहीं है। और यहाँ पे इतनी
सुंदर मार्केट है। हमने थोड़ी देर बाद हमने जाना है अभी चाय पीने के लिए। पहले हम गए थे स्नैक्स खाने, आ गए हैं, अभी पेट थोड़ा भरा भरा हुआ है, अभी हम थोड़ी देर बाद फिर जाएंगे चाय पीने के लिए। और इतनी सुंदर मार्केट है यहाँ की चाय सुंदर बार की कि हर जगह लाइटिंग लाइटिंग लगी हुई है, लाइटिंग लाइटिंग लगाई हुई है इन्होंने। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे घूमेंगे और हवा इतनी ठंडी ठंडी आ रही है, थोड़ी देर बाद घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर हम वापस जाएंगे अपने घर। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? खुद ये सीन कट हो जाएगा जहाँ फिर इस पे टू आ जाएगा। और अभी हम काफी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे कितनी अच्छी लाइटिंग आ रही है, यहाँ 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 ये देखो ये देखो, हाँ कितने अच्छे चेहरे आ रहे हैं हमारे। एक्चुअली ऐसा है कि जैसा सुना काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, मैं तो बहुत ज्यादा। चाय सुट्टा बार के बारे में सुना था मैं, मुझे लग रहा था सुट्टा जो बोलते हैं ना, ये जो सिगरेट वगैरह उसको बोलते हैं सुट्टा, लेकिन ये चाय का सुट्टा बोलते हैं उसको, चाय सुट्टा बार बोला है। ठीक ठाक है, चाय भी टेस्ट करी थी हमने, ठीक ठाक है वहाँ पे। तो बाकी भी अच्छे थे। हाँ, मार्केट इतनी, पर मुझे पिज्जा वहाँ का टेस्ट ही नहीं लगा, चीज पिज्जा मैंने खाया मुझे नहीं टेस्टी लगा वहाँ का। बाकी ये पीपीआर मॉल ठीक है, मतलब मार्केट अच्छी है, एवरेज है, क्योंकि दिखने में बाहर से बढ़िया है लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा सफाई नहीं है। हाँ, जगह जगह पे कूड़ा करकट फैला हुआ है। और अभी तो वैसे मौसम बढ़िया था, हवा वगैरह चल रही थी, तो इसकी वजह से मिट्टी वगैरह भी पड़ गई हमारे मुंह पे, वेदर अच्छा था। हाँ, बाकी मार्केट अच्छी है, लाइटिंग वगैरह इन्होंने बहुत अच्छी लगा रखी है, तो वेदर बहुत बड़ा था, वेदर बहुत अच्छा था, ऑल ओवर ये अच्छा है, ऑल ओवर अच्छा है सब कुछ। आप आए यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए, बहुत बढ़िया जगह है। हाँ, और वीडियोस बनाने के लिए, फोटोज खींचने, हाँ, रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे अगर बनाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी आएगी। बाकी हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी जलंधर शहर तो घूमते हैं, बाकी हम हर जगह पे जाते रहते हैं ऑल ओवर इंडिया में।